अलीगढ़ में अवैध संबंधों के चलते युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जिस महिला के साथ युवक पिछले 15 सालों से लगा हुआ था, उसी महिला ने शराब पिलाते बेटे के साथ मिलकर युवक को मौत की नींद सुला दी। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना थाना देहली गेट के सहजमाल इलाके की है। बताया जा रहा है कि गुलजार पिछले 15 सालों से बिल्किस नाम की महिला के साथ काफी करीबी संबंध था। गुलजार का बिल्किस के घर आना जाना था। वहीं बिल्किस का पति मुश्ताक दिल्ली में फैक्ट्री में मजदूरी करता था। बिल्किस के दो लड़के मुस्तकीन व सलीम भी अपने पिता के साथ मजदूरी का काम करते थे। गुरुवार की रात बिल्किस का गुलजार से विवाद हो गया। इस दौरान बिल्किस ने गुलजार को शराब पिलाई। फिर नशे की हालत में बेटे सलीम के साथ मिलकर पेट में चाकू घोंपकर हालत गंभीर कर दी। इसके बाद गुलजार के परिजनों को सूचना दी कि गुलजार पर बिल्ली ने हमला बोलकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे तो गुलजार गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ था। गुलजार को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस दौरान गुलजार ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने परिवार को दी और इलाज के दौरान गुलजार की मौत हो गई। इस पूरे घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दे दी। पुलिस ने आरोपी महिला बिल्किस व उसके छोटे बेटे सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि गुलजार व बिल्किस से अवैध संबंध था और बेटा सलीम इन संबंधों का विरोध करता था। क्या घटना हुई? तो ये तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ? घटना क्या हुई थी, 15-20 साल से उनके पास रहते थे, जब भी उनके बच्चे आते थे अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। उस दिन कल की बात है, मिलाद हो रहा था हमारी गली में, हमको मालूम नहीं, हम तकरीर में शामिल थे। और क्या कहना है, करीबन 1 बजे की बात है, पहले तो खूब दारू पिलाई है, उसके बाद में माँ ने हाथ पकड़े हैं, लड़के ने हाथ पकड़े हैं, और छोटे भाई लड़के ने और पेट पर छुरी मारी है। और उसके बाद फिर गई थी हमारी मम्मी पास के चच्ची यहाँ, क्या देखना गुलजार क्या हो गया, दोनों ने कहा था क्या उसको क्या हुआ, मैं दारू वारू पीता रहे मैं वैसे कुछ कह रहा हुआ कि देखो उसे जाने क्या हुआ। तो फिर देखा क्या बिल्ली ने खरोंचे मार दी, जान के देखा तो उनकी आँतें बाहर निकली हुई थी, उन्होंने कहा बिल्ली खरोंचे मारेगी तो आँतें बाहर निकलेंगी। तो कोई लड़ाई वड़ाई चल रही थी इनकी क्या? नहीं 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 कुछ भी नहीं थी। तो मारा क्यों फिर? उनसे लड़ाई होती थी। किससे? हमारी बाबा से उनसे लड़ाई होती थी। उनके बच्चे जो है रखना नहीं चाहते थे हमारे भाई को, और भाबा जो छोड़ती नहीं थी। अगर हम अपने पास भी रख लेते थे तो रास्ते में मिलते थे, मारती थी, अपने संग ले आती, मतलब मैं कहती हूँ 24 घंटे मेरे पास रहो। और बच्चे खिलाफ थे भाबा से। तो चाकू से मारा? हाँ चाकू से मारा, चाकू भी निकला है और दारू की बोतलें भी निकली हैं, और मतलब और भी है जो कुछ भी निकला है, बहुत चीज़ें निकली हैं। सब चीज़ें दिल्ली और थाने पर है, उनके घर में मारा है। रात को पुलिस वाला आए थे, ताला वाला तोड़ा था, उसके बाद में फिर सुबह के टाइम में फिर आए थे, फिर ताला हम लगाई आए थे, कोई घर में घुसा नहीं। फिर सुबह फोन करके चाबी मंगाई, चाबी देने आई। ये अपने घर पे 15-16 साल से नहीं रहता, एक लड़की एक औरत से इसका चक्कर है, घर से थोड़ी बरबर पड़ोस में ही है। तो रात के 12-1 बजे रहा था, तो वो कहने आई तो भाई लड़के वो हो क्या गया, मैं आके देखा तो उसके टॉम पेट फटा पड़ा, वहाँ पे भाई निकल गई थी, टॉम खून टॉम निकले हुआ, मैं आके देखा। किसने मारा है, क्यों मारा? जिस औरत से उसका चक्कर था उसकी बेटे ने मारा, उसमें एक बेटा और पकड़ा गया उसका। तो किस चक्कर है? पहले से मोहब्बत थी, 15-16 से ना देखी गई, कोई कुछ देख लिया वो जी। लड़का शादी शुदा नहीं है, औरत शादी शुदा है, उसके बीवी बच्ची है, सब 7 बच्चे। तो कैसे मारा है? छुरी से मारा, छुरी बरामद हुई है, पुलिस ने कर ली। क्या नाम है उनका जो खत्म हुआ है? उसका नाम गुलजार है, बाप का नाम सैयद है, रहने वाले पुरदुम नगर के रहते हैं अलीगढ़ में। अच्छा, पुरदुम नगर के रहने वाले थे, अलीगढ़ हैं, गरीब आदमी है, बहुत गरीब है। कल रात को एक गुलजार नाम के व्यक्ति के भाई ने ये सूचना दी थी कि मेरा भाई गुलजार बिल्किस नाम की एक महिला के साथ पिछले काफ़ी वर्षों के साथ उसके साथ रह रहा है, और उसी बात को लेकर के बिल्किस के पुत्र ने उसको चाकू मार दिया, और बाद में उसको इलाज के लिए लाया गया, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी पूरे प्रकरण की विवेचना की जाए। सर किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? हाँ गिरफ्तारी हो चुकी है, चाकू मार करके गिरफ्तारी चाकू मार करके हत्या की गई और अभियुक्त की गिरफ्तारी कर दी।
वजह क्या है, क्या चल रहा था, क्या था? ऐसा बताया जा रहा है कि चूँकि उसकी माँ के साथ कुछ रिलेशन थे, इसके काफ़ी साल से उसके साथ रह रहा था, इस कारण से पुत्र ने अपने वो जो घर में गुलजार रह रहा था उसके पूरे एक की गिरफ्तारी हुई है, बाकी विवेचना।